बुध ग्रह का देवता है और चंद्र और तारा का पुत्र है। एक बार चंद्रदेव बृहस्पति देव के घर गए। उन्होंने बृहस्पति की पत्नी तारा को देखा। तारा के सौंदर्य से मोहित चंद्र ने उन्हें विवाह प्रस्ताव दिया। गुरुपत्नी होने के नाते मातृसम है यह कहकर तारा ने उन्हें ठुकरा दिया। इससे क्रुद्ध चंद्र ने उनका बलात्कार किया और उन्हें गर्भवती कर दिया। तब तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसको नाम दिया बुध। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल संस्कृति में। तो हमारा आज का श्लोक है प्रियंगु कलिकाश्याम हुर्पेणा प्रतिम्बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। इसका अर्थ है अशोक के फूल जैसे लाल श्यामल रंग वाले अति रूपवान बुद्धिमान सरल शांत सुस्वभावी बुध को मैं नमस्कार करता हूँ। बुध व्यापार के देवता है और व्यापारियों के रक्षक भी। वे रजोगुण वाले हैं, संवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें शांत सुवक्ता और हरे रंग में प्रस्तुत किया जाता है। उनके हाथों में एक कृपाण एक मुग्धर और एक ढाल होती है और वे रामगढ़ मंदिर में एक पंख वाले शेर की सवारी करते हैं और वे एक कालीन या एक गरुड़ अथवा शेरों वाले रथ की सवारी करते हैं। बुध बुधवार के मालिक है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन क्लिक कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलना, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।